हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, इस बार मैं लेके आया हूं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स प्रोफेसर जानडाल। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं प्रोफेसर जानडाल। मौत के बाद जिस्म की मिट्टी को मिट्टी में मिला देने के लिए किसी को चिता में फूंक दिया जाता है तो किसी को कब्र में दफना दिया जाता है। आज भी बनी थी एक कब्र, आमीन, मगर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठहरो, उस महिला के पति की कब्र थी ये। क्या बात है मम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? तेरे पापा जिंदा हैं बेटे, तेरे पापा जिंदा हैं। पति की मौत के कारण इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बेटे, इन्हें घर ले जाओ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ फादर, मेरे पति जिंदा हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो ये कब्र खोद कर देख लीजिए। मम्मी ये क्या पागलपन है, होश में आओ और घर चलो। नहीं, मैं होश में ही हूँ। अगर तुम लोग इस कब्र को खोदना नहीं चाहते तो मैं खुद ये काम करूंगी। नादानी मत करो, सूर्यास्त हो चुका है, मुर्दे की शांति भंग मत करो, घर जाओ, इसे ले जाओ बेटे। मगर वह किसी के संभाले ना संभली और फिर उस कब्र पर गिर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे कब्र खोद लेने दो प्लीज, मुझे कब्र खोद लेने दो। काव, सब कुछ देख रहा था प्रिंस, उसकी कर्कशाहटों ने उस कब्र का सीना फाड़ डाला। काव काव, और फिर ठहरो, अगर ये एक बार अपने पति की कब्र खोदकर देख लेगी तो उसकी जिंदगी या मौत के प्रति आश्वस्त होकर ये शांत हो जाएगी। न जाने कैसा संबंध था एंथनी के व्यक्तित्व का कि सबकी जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। इसे कब्र खोदकर दिखाना जरूरी है, वरना यह पागल भी हो सकती है। एंथनी ने ताबूत खोला तो मौजूद हर व्यक्ति भौचक्का उठा। अरे मिस्टर डिसूजा तो सचमुच जिंदा है, मुझे ताबूत में क्यों बंद कर दिया था? कमाल है प्रिंस, ये तो सचमुच जिंदा निकला। जल्द ही तुमने वायदे के मुताबिक मेरे पति को जिंदा कर दिया, ये लो अपने काम की कीमत 25 लाख रुपए। जिंदा को मार सकता है, मरो को जिंदा कर सकता है प्रोफेसर जानडाल। मौत के लिए कोई अजनबी नहीं, सभी अपने हैं। मौत कब, कहां, कैसे और किस जिंदगी के द्वार पर दस्तक देगी ये कोई नहीं जानता। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, आह, ट्रक का नंबर नोट करो, ट्रक पर नंबर नहीं है, इसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसे मेरी कार में डालकर हॉस्पिटल ले चलते हैं, जल्दी करो। मुझे तो वो बस्ता नहीं दिख रहा, उसकी खोपड़ी फट गई है, पता नहीं जिंदा है भी या नहीं। किसी और का तो पता नहीं, मगर प्रोफेसर जानडाल का यह दृढ़ विश्वास था कि वो मर चुका है। हाँ, वो मर चुका है मार्कोस, और इस बात का सबूत है उसकी वो आत्मा जो मुझे इस वक्त भी उस उद्योगपति रतन कुमार के शरीर के आसपास मंडराती दिखाई पड़ रही है। मेरा विश्वास है कि मरने के बाद भी प्राणी की आत्मा उसका शरीर नष्ट होने तक उसके आसपास ही रहती है, और अगर इस आत्मा को शरीर नष्ट होने से पहले ही उस शरीर में दोबारा डाल दिया जाए तो हमारा व्यक्ति फिर से जिंदा हो जाएगा। अपने इस विश्वास के कारण मैंने आत्माओं पर विजय हासिल करने का तरीका विकसित कर लिया है। आत्मा रूपी वो ऊर्जा जो अपना शरीर छोड़ चुकी है, वो ऊर्जा जो अब अपने शरीर में वापस जा सकने में असमर्थ है, उसे मैं शक्तिशाली तामसी ऊर्जा को माध्यम बनाकर वापस मेरे व्यक्ति के शरीर में भेज सकता हूँ। जाओ मार्कोस, उन लोगों को मेरी शक्ति के बारे में बताओ। सॉरी, ही इज नो मोर। जल्दी ही। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्रोफेसर जानडाल हमारे भाई को दोबारा जिंदा कर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मैं उसका मुंह मोतियों से भर दूंगा। अपने राम जैसे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे तो वो मेरी जान ले सकता है। सोहन, ये क्या बकवास है, मुझे यकीन नहीं होता। कोरी गप है, अंधविश्वास। अगर तुम अपने भाई की जिंदगी नहीं चाहते तो मैं चलता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि हमें उसे परख लेने में क्या हर्ज है। भैया हम सब में बड़े थे, उन्होंने हमें माँ बाप की तरह पाला, आज तक सारे बिजनेस को वही देखते रहे, हमें हर तकलीफ से मुक्त रखा, हम लोगों ने सिर्फ ऐश की है, व्यापार की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनकी अचानक मौत से हमारे सामने अपने उस बिजनेस को चलाने का भी तो कितना बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है, जिसे भैया ने अपनी कठोर मेहनत से खड़ा किया है उसके बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। अगर प्रोफेसर जानडाल नाम के उस चमत्कारी आदमी का एजेंट मार्कोस 10 करोड़ रुपये लेकर हमारे भैया को जिंदा करने की गारंटी दे रहा है तो हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। ठीक है, रोको उसे। ठहरो, हमें प्रोफेसर जानडाल के पास ले चलो। तुम एक बहुत बड़ा मौका चूकने से बच गए, मगर तुम्हारे भाई का जिंदा करने के लिए प्रोफेसर डांडल के पास जाने की जरूरत नहीं।
तुम सिर्फ 10 करोड़ देने की तैयारी करो, मैं प्रोफेसर जंडाल को तुम्हारा फैसला बता देता हूँ। उस वक्त प्रोफेसर जंडाल के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई थी। मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। उसके भाई 100 करोड़ का व्यापार बचाने के लिए 10 करोड़ जरूर खर्च करते, इसलिए मैंने रतन कुमार को एक्सीडेंट के जरिए मरवा डाला था और अब मैं ही उसे जिंदा करूंगा। जबकि उसी समय उधर अस्पताल के नियमों के अनुसार रतन कुमार की लाश को बांधा जाना शुरू हुआ और इधर वह चमत्कार होना शुरू हुआ, यानी शक्तिशाली तामसी ऊर्जा रतन कुमार की आत्मा को अपने कब्जे में ले चुकी थी। अगले पल उस तामसी ऊर्जा के उस माध्यम के जरिए रतन कुमार की आत्मा वापस उसके शरीर में समा गई और दूसरे ही पल ये तो जिंदा है। मैंने हजारों लाशें बांधी है मगर मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखा। डॉक्टर साहब को बुलाओ। इस सूचना के साथ ही डॉक्टरों में हड़कंप मच गई। इट्स इम्पॉसिबल, मैं इसे अच्छी तरह से चेक कर चुका था, यह मर चुका था। इसको ड्रेसिंग के लिए कैजुअल्टी में ले चलो। ये सर। रतन कुमार ब्रदर्स की हालत तो ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। ये तो कमाल हो गया सचमुच। ये कमाल प्रोफेसर जानडाल का है। किर्र। हा, अब मेरे हाथों मरे करोड़ों रुपए देकर जिंदा होंगे। जिंदा तो होंगे मगर तामसी ऊर्जा के उस जबरदस्त बदलाव के साथ। इस तरह खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ऑफिस जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे? ऑफिस? ऑफिस के नाम पर शाम क्यों सूंघ रहा है? बिल्कुल निकम्मे और आवारा हो गए तुम लोग। आज के बाद तुम्हें काम का ही दाम मिलेगा। तुम्हें ऐश करने के लिए मुफ्त का पैसा मैं नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड? अब दफा हो जाओ यहां से। मगर भैया आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपकी देखभाल कौन करेगा? देखभाल के लिए मुझे 36,000 नर्सें मिल जाएंगी बेवकूफ। तो मैं जो कहा जा रहा वही करूं। आज से ही ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दो। जिंदा होते ही भैया को क्या हो गया? भैया के चेहरे पर हमारे लिए इतनी नफरत मैंने कभी नहीं देखी। भैया तो हमारी एक चीख पर डॉक्टरों की लाइन लगा देते थे। मगर कुछ तो हो ही गया था। उस वक्त थाने में उस फोन कॉल के साथ ही इंस्पेक्टर इतिहास के जहन में हड़कंप बच गया। क्या? पर तुम कौन हो और तुम्हें ये सब कैसे पता? आम खाओ इंस्पेक्टर इतिहास, पेड़ मत गिनो। खटाक। हवलदार भीम सिंह जल्दी से जीप तैयार करो। यस सर। तूफान की तरह इंस्पेक्टर इतिहास की जीप थाने से बाहर निकली। जीप को सीपी के इनर सर्किट की तरफ लो। हवलदार भीम सिंह इधर इसी वक्त। क्या? एसपी के इनर सर्किट पर दिन दहाड़े मेरी बच्ची रैना के किडनैप की कोशिश होने वाली है। किडनैपर पुलिस की वर्दी में होंगे। पर तुम कौन हो? तुम्हें मेरे मोबाइल फोन का नंबर कैसे पता चला? आम खाओ मिस्टर भंडारी, तुम्हारे पेड़ गिरने की कोशिश में कहीं अपराधी सफल ना हो जाए। खटाक। ओह माय गॉड, मैं तो सीपी के इनर सर्किट से ही गुजर रहा हूँ। कुछ नहीं बेटे। क्या हुआ पापा? किसका फोन था? कुछ नहीं बेटे। अगर अपराधियों ने ऐसी कोई कोशिश की तो मेरे पास उनका जवाब देने के लिए मेरा ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है। ओह गॉड, तो क्या ये वही लोग हैं? रोको रोको। अगर ये वही लोग हैं तो मैं इनकी जीप को अपनी कार से आगे नहीं जाने दूंगा। किच ओफ। रैना बेटी जल्दी करो, तुम सीट के नीचे घुस जाओ। कुछ खतरनाक लोग हमें पकड़ना चाहते हैं। मगर पापा उफ आ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की कॉमिक प्रोफेसर जंडाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।